पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत विकास परिषद महिला शाखा आराधना की ओर से लेडीज क्लब में योग उत्सव मनाया गया। अल्पना गुप्ता के नेतृत्व में उनकी टीम ने योगासन सीखे। योग प्रशिक्षिका ऋतु नारंग ने सभी को विभिन्न आसन सिखाए, साथ ही योग का महत्व बताया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग नहीं करने से हमारे शरीर में रोग भर जाते हैं। प्रतिदिन योग करके हम खुद को स्वयं स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रतिदिन योग और प्राणायाम करने का संकल्प दिलाया। अध्यक्ष अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी ने योग की अलग जगाई है। अल्पना ने कहा कि क्लब के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर वर्षा अग्रवाल, निधि गोयल, अंशु गुप्ता, नैन्सी गुप्ता, सोनाली कपूर, शशि शाह, बबीता अग्रवाल, चारू, रुचि मदान, संगीता मिश्रा, अनुराधा गुप्ता, ममता गर्ग, अर्चना जैन, आरती जैन, नीरा गुप्ता, तनु मेहरोत्रा आदि सदस्याएं मौजूद रहीं। आज इंटरनेशनल योग दिवस है। यह सबसे खूबसूरत दिन है हमारे देश के लिए। यह हमारे देश की शान है, क्योंकि आज हमारे देश ने योग के द्वारा सभी देशों को एक सूत्र में बांधा, एक सुंदर सी माला में बांधा और पूरे विश्व को प्रेम और स्वास्थ्य का संदेश दिया। यह योग दिवस हमारे देश की सुंदर और खूबसूरत ज्ञान है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और अब लेडीज़ क्लब में अल्पना जी के द्वारा और सोनाली जी के तहत यह सुंदर आज लेडीज़ के लिए स्पेशल योगा अभ्यास इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर चलाया जा रहा है। शाम को वीसी मैम एमडीएमए सबके संग कर रहे हैं और उसके बाद डिज़ाइन को एक्सपोर्ट हाउस अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। इसी प्रकार जगह जगह ये कैंप लग रहे हैं। भारत विकास परिषद महिला शाखा आराधना की तरफ से हमने योग का कार्यक्रम रखा है। योग अध्यापिका ऋतु नारंग जी के द्वारा ये कराया जा रहा है लेडीज क्लब में। आज सभी महानगर वासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये एक हमारा बहुत बड़ा महापर्व है जो श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। आज इसको करते हुए हमें 4 साल बीत चुके हैं और ये मोदी जी के नेतृत्व में 5वां साल है इसको करते हुए। योग एक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बनता है। योग हमारे शरीर में काफ़ी चीज़ों को संतुलित करता है और हमें दिमाग से मन को हमारे शांति देता है। मैं सभी से यह कहना चाहूँगी कि योग दिवस के अवसर पर और बाकी दिनों में योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आप फिट, इंडिया फिट। जय हिंद, जय भारत। इन 4 साल में कितनी जागृति पैदा हुई है इस योग के को लेकर? योग के द्वारा इस 4 साल में 85% तो जागृति हुई है। योग हमारे देश के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हुआ है। हमारे देश के लोग करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं। सभी लोग योग के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसके प्रति हमारे देश में और बाहर के देशों में भी जागृति पैदा की है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।